Students, today we will study English Unit 3, Nasruddin's Aim. Aim means लक्ष्य. हम यहाँ पे किसी का, आपका भी लाइफ में कुछ बनने का एम होता है, इसी तरीके से नसरुद्दीन के भी कुछ एम्स हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in the archery." वो कहता है कि दुनिया में अपने एक दिन अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और he began to boast. Boast means डिंगे हाँ कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें करना. No one can match my skill in archery. कह रहा है कि तीरंदाजी जो होता है, धनुषधारी होते हैं ना, वो तीर धनुष जो खेलते हैं, तो उस गेम को आर्चरी कहते हैं. उस वो कहता है कि मेरे को कोई भी उसमें मेरा सामना या मेरा बराबरी नहीं कर सकता है. I string the bow, take aim and shoot the arrow. String means धागा. धागा को चढ़ाना पड़ता है उस पर, धनुष पे, और फिर मैं तीर रखता हूँ और सीधे शूट करता हूँ. कहाँ? सीधे निशाने पे जाता है मेरा. हर जो भी मैं निशाना लगाता हूँ वो लग जाता है. वो कहता है द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. और जो भी एरो मैं तीर फेंकता हूँ वो सीधे निशाने पे जाके लगता है. हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट बो एंड सम एरोज. ये सुनते ही उसके एक कुछ उसका जो दोस्त था वो तुरंत जाके तीर धनुष ला के उसको दे देते हैं. गिविंग दैम टू नसरुद्दीन ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. उन्होंने कहा नसरुद्दीन ये लो तीर और धनुष लो, अब तुम इसका. देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. उन्होंने एक निशाना दिखाया और कहा तुम इस पे निशाना लगाकर दिखाओ. उसके दोस्तों ने उसे कहा ये. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो. अब उन्होंने अपने हाथ में धनुष को लिया और उसमें धागा चढ़ाया और उसको सीधे क्या किया उन्होंने, टारगेट पे निशाना लगा दिया. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. अब जो एरो था, जो तीर था, वो टारगेट पे जाकर लगा ही नहीं. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ये टारगेट पॉइंट है और यहाँ नहीं लगा, ये तीर देखो यहाँ जाके गिर गया, तो लगा ही नहीं. His friend started laughing up. यहाँ पे देखिए फिर वो somewhere in the middle, वो कहीं बीच में जाके गिर जाता है. हा 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 ये बोलकर उनके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे. His friend started laughing. यह हा हा करके उनके दोस्त हंसने लगे. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" उन्होंने कहा नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? Oh no, नसरुद्दीन क्या कह रहा है? Oh no, not at all, said Nasruddin. नसरुद्दीन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा एम नहीं है. अपने आप को बचाते हुए ये बातें कह रहे हैं. This wasn't my aim, it was Azad's aim. ये मेरा एम नहीं, ये आजाद का एम है. I just showed you how Azad shoots an arrow. ये तो मैंने आपको अभी दिखाया कि आजाद कैसे शूट करेगा, ये मेरा एम नहीं है, ये कहते हैं. Saying this, Nasruddin picked up another arrow. इतना कहते कहते उन्होंने एक दूसरा एरो उठा लिया, दूसरा तीर उठा लिया उन्होंने. Once again he strung the bow, aimed at a target and shot the arrow. फिर से उन्होंने कमान चढ़ाई और फिर से निशाना टारगेट की तरफ लगाया. This time the arrow fell little further from where it had fallen before. अब ये थोड़ी दूर और गिरा, किससे? पहले जो निशाना गया था उससे थोड़ी दूर और ये जाकर गिरा. But it certainly didn't hit the target. अभी भी क्या हुआ, ये जो तीर था ये अभी भी जाके टारगेट पर नहीं लगा. दे आग्स नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो. और उसके दोस्त फिर से कहते हैं क्या यही तरीका है आपका शूट करने का, आप ऐसे ही शूट करते हैं?
आप नसरुद्दीन क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। अब उनको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था पर उन्होंने कहा नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, अब वो कहते हैं कि ये एम भी मेरा नहीं था, इट वॉज द चीफ गार्ड एम। यहाँ जो चीफ गार्ड है ये तो उनका एम था, फर्स्ट टाइम में उन्होंने किसका एम बता दिया, आजाद का एम बोल दिया। सेकंड टाइम में जब उनका टारगेट नहीं लगा तो वो कहते हैं ये तो किसका है, चीफ गार्ड्स का एम है, मेरा एम नहीं है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन लास्ट ऑन द लिस्ट। अब वो कह रहा है कि देखो अब ये तो सबके नाम ले रहा है, अब नेक्स्ट में जो लिस्ट आएगी पता नहीं किसका नाम होगा, वो ऐसा कह रहे हैं। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये अब दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं अब किसका नाम लिस्ट में होगा, और जोर जोर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो लाफिंग हंसना शुरू किया उन्होंने। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने अब कुछ नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, अब उन्होंने एक और एरो निकाला, तीर निकाला, एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, अब कहते हैं फिर से उन्होंने हिट किया, लेकिन इस समय नसरुद्दीन बहुत लकी था। द एरो हिट द राइट ऑन द टारगेट, अब जो टारगेट था सीधे वहीं पे निशाना लग गया, अब देखो सीधे निशाना यहीं पे जाके लग रहा है ना, यहाँ पे जो निशाना है निशान बना हुआ है बिल्कुल बीच में टारगेट पे लगा। एवरीबडी इज स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और उन लोग अमेजमेंट में आश्चर्य से नसरुद्दीन की तरफ देख रहे थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, मतलब विजेता हो गया खुशी के मारे, उन्होंने कहा क्या, हाँ डिड यू सी दैट, क्या तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा एम है। वो कहते हैं पहले तो बता दिया नहीं लगा तो आजाद का था, दूसरी बार कह देते हैं मेरा ये मेरा नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का था, लेकिन तीसरी बार धोखे से लग गया तो कहते हैं देखो खुशी से चिल्ला रहे, ट्रायम्फेंटली मीन्स खुशी से विजेता है ना, विजेताओं के चिल्ला रहे हैं कि देखो ये मेरा एम है, ऐसा करके उन्होंने बोला खुशी से। और आप अपनी जब भी वीडियो देखें तो अपनी बुक्स को प्लीज़ ओपन करके ही देखा करें, और बुक्स पास में रखा करें आप, और बुक्स में बुक से भी एक बार रीडिंग करेंगे आप।